राम जी भाव विह्वल है और झुके, लक्ष्मण जी का ध्यान नहीं है, भरत का ध्यान जाता है। उन्होंने कहा अगर आज प्रभु ने चरण पादुकाओं को हाथ लगा दिया तो मर्यादा मिट जाएगी, और भरत जी ने भाग करके उन पादुकाओं को उठाकर अपने माथे से लगा लिया और पादुकाओं ने कान में कह दिया, जाओ भरत आज तुमने मेरी मर्यादा रचाई, एक दिन मैं तुम्हारी मर्यादा बचा लूंगा। वही पादुकाओं ने आकर के अयोध्या में भरत की मर्यादा को निभाई। विवाह में एक और प्रक्रिया होती है, आज हमारे लोग कहेंगे महाराज बहुत अनुभव की बात कर रहे हो आज। कोहबर की प्रक्रिया होती है, कोहबर की प्रक्रिया में दूल्हा दुल्हन या दूल्हा की सखियां, बाकी और कोई नहीं जाता। राम जी लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता मांडवी उर्मिला सुकृति और जनकपुर की सखियां बैठी हैं। राम जी अपने आप में बैठे हैं, एक सखी कहते अरे सखी दूल्हा तो बड़ा घमंडी है, कहती ना ये तो हमारी तरफ देखे ही ना, हाँ नहीं तो कहे ये दूल्हा बड़ा घमंडी है, ये तो हमारी तरफ देखता ही नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा भाई आपको याद है थोड़ी देर पहले जनक जी रो रहे थे कि अगर धनुष नहीं टूटा, मेरी बिटिया का विवाह नहीं होगा, मेरा प्रण नहीं पूरा होगा, अब धनुष तोड़कर अगर राम ने जानकी का विवाह किया है तो थोड़ा सा अहंकार आ भी गया तो क्या, हम जनकपुर की सखियां भी कम नहीं है, ऐसे भी वहां 13 और 23 गुण कम नहीं थे, वहां इनके 13 थे तो उनके 23। सखी ने कहा वाह तुमने धनुष तोड़ा, जरा ये बताना कि आज से पहले गुरु के कृपा से पहले तुमने कितनी अहिल्या तारी थी और कितने धनुष तोड़े थे। धनुष अगर टूटा है तो मेरे जानकी की आदि शक्ति की साधना और माँ गौरी की साधना का प्रताप है, ये तो गौरी के वरदान का फल है, तुमने नहीं तोड़ा धनुष। रही बात सुंदरता की, तो यही आप सुंदर नजर आ रहे हो, यहां से बाहर जाओ तो काले कलूटे नजर आओगे, कोई देखेगा भी नहीं, यथार्थता है। जो चीज जिसको प्रिय है ना उसे सुंदर ही नजर आएगी, और जिससे प्रिय नहीं लगे वो काहे को सुंदर नजर आएगी। जहां भक्त के भाव की ज्योति जल रही है वहीं भगवान की छवि सुंदर नजर आएगी, नहीं तो दीवारों पे हजारों मूर्ति बनी रहती, कोई पूजा नहीं करता। एक सखी और मन चली, अच्छा लक्ष्मण जी एक बात बताओ, धनुष तोड़ने की बात तो खींचती है ना जी, या तो एक बोल के चुप हो जाओ, यहाँ तो ना कम रघुवर है ना कम कन्हैया, अब आपने ये कहा है तो सुनना भी पड़ेगा। एक सखी कहते हो लक्ष्मण जी सुनो, आप तो कहते हो कि धनुष तुमने तोड़ा, पर जहां राम को पाने के लिए खीर और पूड़ी खाने की जरूरत पड़ती है, वो धनुष कब से तोड़ने लगे? सच भी था ना, राम पैदा तो हव्य से भी थे ना, और इसीलिए तो मेरे पिता ने अयोध्या में पत्रिका नहीं भेजी थी। लक्ष्मण जी भी कब नहीं है, अरे आपको पता नहीं है हमारे यहां आपके पिता ने पत्रिका क्यों नहीं भेजी थी, बोले तो आप ही बताओ। बोले एक समय की बात है, महाराजा जनक शिकार खेलते हुए अवध की सीमा में पहुंच गए हैं और उनके हाथ से एक गौ हत्या हो गई है अनजाने में। बैठ करके रो रहे थे महाराज जनक, और वहां से ये अवध का मेहतर गुजरा, सेवक गुजरा, और उसने पूछा आप क्यों रो रहे हो? कहने लगे अज्ञानता से मेरे हाथों से गौ हत्या हो गई है। मेहतर ने कहा हमारी अवध में गौ हत्या का पाप हो ही नहीं सकता। भाग कर वो दशरथ के पास आता है, दशरथ से निवेदन करता,
महाराज दशरथ कहते हैं, देखो मैं गुरु पूजा के लिए जा रहा हूं, मुझे समय है नहीं, क्योंकि मेरे लिए सर्वस्व मेरे गुरु है। आप जाओ सुरसरी से जल ले लेना और उठाते हुए कह देना, ऐ मां अगर यवद पर गौ हत्या का पाप नहीं लगने देना चाहती तो मन क्रम वाणी से इस मरी हुई गैया को जीवन दान दे दे, जीवन दान दे दे, जीवन दान दे दे। महाराज मेहतर ने वही किया, सुरसरी का जल लिया है, जनक के पास पहुंचा और यही कहा है, मां अगर अवध में गौ हत्या का पाप नहीं लगने देना चाहती तो इस मरी हुई गैया को जीवन दान दे, जीवन दान दे, जीवन दान दे। और मेहतर ने गैया के कान में 3 बार ऐसा कहकर जल डाला और मरी हुई गैया जिंदा हो गई। तो सखियों तुम्हारे पिता को यह पता था कि जिस नगर का मेहतर मरी हुई गैया को जिंदा कर सकता है उस नगर में अगर तुमने पत्रिका भेजी तो धनुष तोड़ने कोई मेहतर आ गया तो राजकुमारी मेहतर के घर देनी पड़ेगी। महाराज किरणवासों के पलने वाले जब रण के सम्मुख पड़ते हैं तो महाकाल भी हो सम्मुख तो उससे कुश्ती लड़ते हैं। यह अवध की रीति है। विदाई का समय आया है, विदाई के समय माताएं अपनी बेटियों को कुछ शिक्षा देती हैं। जिन माताओं ने अपनी बेटियों को शिक्षा नहीं दी उनकी बेटियां जीवन में सुख नहीं पाती हैं। आज सुनैना अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है कि सत्य वचन मम उर धर ले मात पिता गुरु सेवा करे हो। सास ससुर जब बोल ही बाता पूछो हठ करे तो तरिबा। सुने ने कहा जाओ सत्य वचन, सत्य ये मेरी बात उर यानी हृदय में रख लेना। माता पिता गुरु की सेवा करना, अगर कभी वो गलती से रूठ जाए तो बार बार उन्हें मना लेना, हट कर लेना। अब प्रमाण मिला है कि जानकी मैया कौशल्या के चरण दबाने जा रही थी, पैर में बुहारी झाड़ू लग गई और उसमें आग लग गया, झाड़ू में आग लग गई। कौशल्या मैया ने कहा, बेटी कल से मेरी सेवा को मत आइयो। बोले क्यों? बोले तेरे पैर लगने से अगर बुहारी जल गई, झाड़ू जल गई, कल को मैं जल जाऊं तो क्या होगा? जानकी जी ने कहा, मां जलता तो वह है जिसके अंदर विकार और अग्नि होती है। तू तो मेरी माँ है, तू तो मेरी माँ है, तू तो प्रेम की सागर है माँ, तेरे चरण को छूते ही सारी अग्नि बुझ जाती है। ये प्राम बहु और सासु में होना चाहिए, ये रामायण का संकेत है। लेकिन आज की बहुओं को, आज की बेटियों को क्या सिखाते हैं? यहाँ के लोग नहीं सिखाते होंगे, महाराष्ट्र में सिखाते हैं कि सत्य वचन मम उर धर लेहू और पहुंचत दुई चूल्हा कै लेहू। जाओ जाते ही 2 चूल्हा बना लेना, इकट्ठा रोटी बनना ही नहीं। आज के लोग ये सिखाते हैं कि जा 5 लाख दहेज दिया, 3 लाख दहेज दिया, ये किया वो किया, कभी 2 भाई एक साथ रोटी खा ले ऐसा काम ही मत कर दियो। नहीं, हमें सुनैना वाली बात पे अमल करना पड़ेगा तब हमारा जीवन सुखी रहेगा। माताओं को भी
बेटों में समान दृष्टि और बेटियों में बहुओं में अपनी बेटी देखना चाहिए। प्रमाण आया है, दशरथ जी जब ब्याह के सबको लाए एक लाइन कही है कि पर विधुवदनी मोर घरे आई रखिए हो नयन पलक के नहीं। महाराज दशरथ ने कहा कौशल्या ये दूसरे की पुत्री हमारी पुत्री के समान है, ये मेरे घर ब्याह के आई है, इनको अपनी आंखों के पलकों की तरह सजो के रखना, ये प्रेम बेटी और मां का साथ और बहू में होना चाहिए। रामायण मर्यादा सिखाता है। और आज के लोग सासू से कैसे मांगती हैं, हट के मैं सुनाऊंगा फिर आरती की ओर चलेंगे। आज के लोग चाबी में मांगती तो कैसे मांगती है बहू रानी अपनी सासू से, वो जमाना नहीं रह गया। तिवारी जी, तिवारी जी वहां से संकेत कर रहे हैं कि आज की बहुएं सासू के लिए कुछ और कहती हैं। वो कह रहे हैं आज की बहू बोलती है मेरी सासू ने ठाले राम, वो महाराष्ट्र में बोलती है जी, यहाँ की नहीं बोलती है। ऐसा नहीं है कि मेरी सासू ने ठाले राम सौ के लड्डू बांटूंगी। एक बार क्या हुआ, सास बहू का झगड़ा हो रहा, हमारे जैसे भी पहुंच गए जी, सुन लिया बेचारा अच्छा आदमी, घर में आते ही ए जी कल से बंटवारा कर लियो साथ में रहना ना। बोले अरे जान दे ये तेरी माँ है, माँ जैसी है। ए माँ जैसी है, माँ थोड़ी ना। अच्छा तुझे सासू नहीं चाहिए? बोले चाहिए। बोले फिर लड़ाई काहे की? बोले जिंदा नहीं फोटो में चाहिए, जिंदा नहीं फोटो में चाहिए। ये कैसे मानती कि सासू जी से हंस के बोली एक दिन मेरी जेठानी, कि सासू जी से हंस के बोली एक दिन मेरी जेठानी, राम नाम को सुमिरन।